नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोडा चंडला पर। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को एक्सेल ड्रॉप डाउन के बारे में बताऊंगा। इसको जो है यूजिंग डाटा इन सेल्स बाय एंट्री डाटा मैनुअली यूजिंग एक्सेल फार्मूला के बारे में बताऊंगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि कोई भी मेरी जो वीडियो बनाता हूँ उसको मिस न की जाए, वो मिस ना हो जाए आपसे। तो दोस्तों मैंने ये टेबल बना रखी है, नाम लिखे रखे हमने, टीचर्स के नाम लिखे हुए, और इसमें मैं आज आपको अटेंडेंस अटेंडेंस में हम जो है भाई इसका डाटा वैलिडेशन का प्रयोग करके कैसे करेंगे पहले वो बता देता हूँ, उसके बाद दूसरे बताऊँगा। दोस्तों तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। अभी डाटा टेबल में जाना पड़ेगा, डाटा वैलिडेशन पहले इसको सेलेक्ट कर लो। दोस्तों सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट ये सेलेक्ट करके डाटा वैलिडेशन में जाओ। इसमें तीन आएंगे, सेटिंग, इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट, इसको क्लिक करो। इसमें देखो इसमें लिस्ट है, लिस्ट क्लिक करेंगे। लिस्ट करने के बाद सोर्स, सोर्स के लिए मैंने ये टेबल बना रखी है। ये जैसे इधर अटेंडेंस लगाएंगे तो प्रेजेंट लिखेंगे, ई एल एथ ई एल सी एल सी एल एच पी एल सी सी एल जो भी है। तो ये मेरी ये इसमें सोर्स है, इसमें इसको सेलेक्ट कर लीजिए। डॉलर की सहायता से लिख भी सकते हैं इसको, तो ओके कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये बटन आ गया, देखो इधर आ गया बटन, बटन को प्रेस करो तो इधर आ गया प्रेजेंट ई एल सी एल एच पी एल सी सी एल सब आ गया। ये सपोज हमारे अध्यापक हैं एच एस गौर एच एस जी, ये प्रेजेंट है। डॉक्टर श्रीपाल जी प्रेजेंट हैं, देखो डॉक्टर सुधीर जी आज छुट्टी पे हैं, वो कौन छुट्टी पे, सी 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 एल पे। रणधीर जी ई एल ले रखी इन्होंने 5 दिन की, 5 डेज। ऐसे हम सभी टीचर्स का जो भी है, जैसे बाकी ये टीचर जो प्रेजेंट है, मान लो ये प्रेजेंट लिख दिया, सारे आगे प्रेजेंट हैं। तो आगे इसको सेलेक्ट करिएगा, सेलेक्ट कर लिया पूरा कॉलम, आगे सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी दबा दो तो सब ऑटोमेटिक जाएगा। दोस्तों ये तो हमारा अटेंडेंस का है। फिर मान लो हमने द जेंडर लिखना है, भाई कौन से टीचर का क्या जेंडर है। जेंडर में फिर हम डाटा वैलिडेशन का फार्मूला लगाएंगे, डाटा वैलिडेशन पहले सेलेक्ट कर लो इसको। डाटा वैलिडेशन इसमें लिस्ट में जाएंगे, लिस्ट में जाके सोर्स, इसमें सोर्स में लिखेंगे, सेलेक्ट नहीं करेंगे, इसमें लिख देंगे मेल कोमा फीमेल, ओके कर देंगे क्लिक करके इधर से ओके। ये दोस्तों ये अपीयर हो गया, देखो आ गया मेल, गौर एच एस मेल, श्रीपाल जी मेल, सुधीर जी मेल, जो भी है प्रियंका जी फीमेल। दोस्तों ऐसे हम सभी वाले कर देंगे, इसमें ये मेल एंड फीमेल का आ गया। तीसरा है उनका हमने सिटी का पता करना, भाई किस सिटी का रहने वाला है वो, सिटीज, ताकि सिटी के नाम भी आ जाएं इसमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिटी के नाम के लिए हम दूसरी सीट का प्रयोग करेंगे, जिसमें इसको क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये लिखा हुआ इधर पहले से ही, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है इसमें सिटी लिख लेंगे, ऊपर मैं सिटी लिखा हुआ पहले से, ठीक है दोस्तों। ये होने के बाद फिर हम सीट नंबर एक पर चले जाएंगे, इसको इस जो ये सिटी लिखा हुआ है इसको ये कॉलम पूरे सेलेक्ट कर लेंगे। पूरे सेलेक्ट करने के बाद भी डाटा वैलिडेशन में जाएंगे,
तीनों चीज़ें सेटिंग एंड इनपुट मैसेज अरे एरर अलर्ट आ गया। इसमें फिर लिस्ट में जाएंगे, लिस्ट में जाने के बाद जो है इसमें इक्वल लगाएंगे और सिटीज लगाएंगे, सिटीज ओके कर दो दोस्तों। ये आ गया बटन आ गया। देखो अभी जैसे हमने जो नंबर जो एक सिटीज का नाम हमने यहाँ लिखे थे गुरुग्राम तक, इधर देखो इसको सेलेक्ट करो। देखो दोस्तों पूरे आ गए, देखो ये लास्ट में गुरुग्राम आ गया, आ गए गुरुग्राम। मान ले गौर एच एस जी हैं, ये करनाल से हैं, करनाल लिख देंगे। श्रीपाल जी हैं, डॉक्टर श्रीपाल जी, ये फरीदाबाद से हैं, इनका हम फरीदाबाद लिख देंगे जी। डॉक्टर सुधीर जी, सुधीर जी पलवल के हैं, लिख देंगे। रणधीर जी, रणधीर जी हैं हमारे रोहतक के, रोहतक लिख देंगे दोस्तों। ऐसे भी कैसे लिख देंगे, तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करेंगे दोस्तों। ये आपको कैसा लगा दोस्तों, आप जो है अपना अपने विचार मेरे वीडियो में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो आप तक पहुंच के। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया आपका सुनने के लिए।